ओम शांति। आज हम जिस अव्यक्तवाणी का अभ्यास करेंगे, तो अव्यक्तवाणी की तारीख है 15 जुलाई 1973। 15 जुलाई 1973 मुरली का टाइटल है लगाम और स्वभाव के बदलने से विश्व परिवर्तन। लगाव और स्वभाव के बदलने से विश्व परिवर्तन। तो बाबा ने इस वाणी में खास हम ब्राह्मण आत्माओं के लिए अंतिम समय के लिए इस रीति से पुरुषार्थ करना है। पहले तो बाबा ने ये बात समझाई है कि किस प्रकार की हम आत्माओं की स्थिति होनी चाहिए विश्व परिवर्तन के अंतिम समय के लिए, और फिर उस स्थिति के लिए कौन से विघ्न बातें बनती हैं वो बाबा ने समझाई है, और इन विघ्न बनने वाली बातों को किस रीति के पुरुषार्थ से हम आत्माएं दूर कर सकते हैं, इसके लिए बाबा ने इस वाणी में हमें शिक्षाएं दी हैं। बाबा ने खास अशरीरी स्थिति की, फिर लाइट हाउस व्हाइट हाउस बनने की बातें कही है, और हमारे ऐसे शक्तिशाली स्थिति के आधार से ही कैसे विनाश के लिए निमित्त बनी हुई आत्माओं को प्रेरणाएं मिलेगी, इस बात को बाबा ने लिया है। और जैसे यहाँ पर टाइटल में भी कहा गया है कि लगाव और स्वभाव, ये दो मुख्य बातें हैं जो हमारे इस अंतिम शक्तिशाली स्थिति में रुकावट है, तो कैसे इन दो बातों को हम अपने पुरुषार्थ से दूर ले सकते हैं या हटा सकते हैं, इसके लिए बाबा ने हमें मार्गदर्शन किया है। तो वाणी को पढ़ेंगे। नजरों से निहाल करने वाले, दुख व अशांति से दूर ले जाने वाले, मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देने वाले, लाइट हाउस और माइट हाउस बनाने वाले, सर्व की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले विश्व कल्याणकारी बाबा बोले, क्या आवाज से परे शांत स्थिति इतनी ही प्रिय लगती है कि जितनी आवाज में आने की स्थिति प्रिय लगती है? आवाज में आना और आवाज से परे जाना, ये दोनों ही एक समान सहज लगते हैं या आवाज से परे जाना मुश्किल लगता है? वास्तव में स्वधर्म शांत स्वरूप होने के कारण आवाज से परे जाना अति सहज होना चाहिए। बाबा जो हमेशा कहता है कि तुम निराकार आत्माएं और हमारा स्वधर्म है शांत, है ना। बाबा कहता है हम आत्माएं रहते हैं निर्वाण धाम में, माना ऐसा स्थान जो वाणी से परे वाला है। तो बाबा कहता है अगर आत्मा का निजी संस्कार या धर्म ही ये है शांति का, तो कौन सी स्थिति सहज लगती है, है ना। जैसे मुख से बात करना ये हमारे लिए डिफिकल्ट नहीं होता है, बहुत सहज लगता है, लेकिन किसी दिन अगर हमें कहा जाए कि आपको मौन में रहना है पूरा दिन, तो दृढ़ संकल्प के आधार से हम मौन में रह सकते हैं, लेकिन फिर भी उसमें हमें मेहनत लगती है। इतना सहज नहीं लगता जितना हम वाणी में आना हमें सहज लगता है। तो यही बात बाबा ने कही है, स्वधर्म शांत स्वरूप होने के कारण आवाज से परे जाना अति सहज होना चाहिए। अभी अभी एक सेकंड में जैसे स्थूल शरीर द्वारा कहीं भी जाने का इशारा मिले, तो जैसे जाना और आना ये दोनों ही सहज अनुभव होते हैं, वैसे ही इस शरीर के स्मृति से बुद्धि द्वारा परे जाना और आना ये दोनों ही सहज अनुभव होंगे, है ना। बाबा ने स्थूल आने और जाने की एग्जाम्पल या मिसाल दी है। बाबा कहता है शरीर को यहाँ से वहां ले जाना जितना हमें सहज लगता है,
वैसे ही बुद्धि से मैं आत्मा इस शरीर से परे जाऊं, तो ये उतना ही सहज लगना चाहिए। तो बाबा ने कहा, अर्थात क्या एक सेकंड में ऐसा कर सकते हो? डिटैचमेंट की बाबा ने यहाँ पर स्थिति बताई है। जैसे 2 दिन पहले भी साकार वाणी में बाबा ने कहा था कि सच्ची सच्ची शांति को अगर अनुभव करना है तो इस देह रूपी बाजे से डिटैच्ड होना है ना, इसका अभ्यास करो। जब चाहे तब शरीर रूपी बाजे को बचाओ और जब चाहे तब उससे न्यारा हो जाओ। तो बाबा यही स्थिति बताते हैं। बाबा कहता है कि जब चाहे शरीर का आधार ले और जब चाहे शरीर का आधार छोड़कर अपने अशरीरी स्वरूप में स्थित हो जाए। क्या ऐसे अनुभव चलते फिरते करते रहते हो? है ना, अशरीरी स्थिति का अनुभव एक तो है कि हम जब बैठा योग करते हैं तब हम बहुत अच्छे रीति से कर भी ले, लेकिन बाबा करते हैं सिर्फ बैठ कर नहीं, लेकिन जब हम आत्माएं प्रैक्टिकली कर्म में है या कोई ना कोई पार्ट बजा रहे हैं उस समय भी हम अपने उस न्यारे और प्यारी अवस्था को अनुभव करें। फिर बाबा ने कहा, जैसे शरीर धारण किया वैसे ही फिर शरीर से न्यारे हो जाना, इन दोनों का क्या एक ही अनुभव करते हो? शरीर से न्यारा होना फिर शरीर का आधार लेना, बाबा कहता है क्या इन बातों का अनुभव करते हो? यही अनुभव अंतिम पेपर में फर्स्ट नंबर लाने का आधार है। बाबा ने कहा, यही अनुभव अंतिम पेपर में फर्स्ट नंबर लाने का आधार है। जो लास्ट पेपर देने के लिए अभी से तैयार हो गए हो या हो रहे हो, जैसे विनाश करने वाले एक इशारा मिलते ही अपना कार्य संपन्न कर देंगे, अर्थात विनाशकारी आत्माएं इतनी एवर रेडी है कि एक सेकंड के इशारे से अपना कार्य अभी भी प्रारंभ कर सकती है। तो क्या विश्व का नवनिर्माण करने वाली अर्थात स्थापना के निमित्त बनी हुई आत्माएं ऐसे एवर रेडी है? एवर रेडी वाली स्थिति बाबा ने क्या कही, एक सेकंड में शरीर का आधार लेना, एक सेकंड में शरीर से न्यारा हो अपने अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाना। तो बाबा कहता है कि जैसे विनाश के लिए निमित्त आत्माएं रेडी बैठी है, बाबा कहता है ना कि बटन के ऊपर हाथ रखकर बैठी है कि कब बटन को दबाओ। तो बाबा कहता है कि जो स्थापना के लिए निमित्त है वो भी ऐसे ही एवर रेडी है, क्योंकि बाबा ने क्या कहा है, स्थापना और विनाश ये दोनों कार्य साथ साथ चलेंगे, है ना। तो बाबा कहता है अपनी स्थापना का कार्य ऐसे कर लिया है कि जैसे विनाशकारियों को इशारा मिले, जैसे यादव सेना ने फुल फोर्स से तैयारी की हुई है, क्या वैसे ही पांडव सेना भी अपनी सर्व तैयारियां कर समय का इंतजार कर रही है, ऐसे एवर रेडी हो? जैसे लाइट हाउस और पावर हाउस एक सेकंड के स्विच ऑन करने से चारों ओर लाइट व माइट फैला देते हैं, तो क्या ऐसे ही पांडव सेना एक सेकंड के डायरेक्शन प्रमाण लाइट हाउस और माइट हाउस बन सर्व आत्माओं को लाइट और माइट का वरदान दे सकती है? तो ये और एक स्थिति बाबा ने बताई है कि ऐसी अहम आत्माओं की स्थिति हो कि एक सेकंड में हम अपने वरदानी मूर्त स्थिति में स्थित हो जाए, लाइट हाउस और माइट हाउस स्थिति में स्थित हो जाए। तो बाबा कहता है ऐसे एवर रेडी हो? जैसे स्थूल नजर एक सेकंड में एक स्थान पर बैठे चारों ओर देखती है,
स्थूल नजर की बात बाबा ने की, तो चारों ओर हम देख सकते हैं, तो क्या ऐसे ही तीसरे नेत्र द्वारा एक सेकंड में आप चारों ओर न सिर्फ भारत लेकिन सारे विश्व की आत्माओं को नजर से निहाल कर सकते हो? तो जैसे सरल और सहज रीति से स्थूल नेत्र द्वारा बाबा ने कहा, जैसे तो क्या ऐसे ही तीसरे नेत्र द्वारा एक सेकंड में आप चारों ओर न सिर्फ भारत लेकिन सारे विश्व के आत्माओं को नजर से निहाल कर सकते हो? जैसे सरल और सहज रीति से स्थूल नेत्र द्वारा नजर फैला सकते हो, क्या वैसे ही आप नजर से निहाल कर सकते हो? गायन भी है, एक सेकंड में तीसरा नेत्र खुलने से विनाश हो गया, तो विनाश के साथ स्थापना तो है ही, तो बाप के साथ साथ बच्चों का भी गायन है ना। माना जो भक्ति मार्ग में गायन हुआ, गायन करते हैं कि शिव ने तीसरा नेत्र खोला तो फिर क्या हुआ, सृष्टि का सारा विनाश हुआ। तो भक्ति मार्ग में तो शंकर और शिव एक कर दिया है, तो शंकर के तीसरे नेत्र की बात करते हैं, है ना। तो बाबा कहता है कि जैसे ये बाप का गायन करते हैं भक्ति में, तो साथ साथ बच्चों का भी है। तो यहाँ पर कौन से नेत्र की बात बाबा कहता है? बुद्धि रूपी, है ना, कि क्या मुझ आत्मा ने ज्ञान के आधार से अपनी वो स्थिति बनाई है जो बाबा मुझे आदि मध्य अंत का ज्ञान देता है, जिस रीति से स्थापना और विनाश का ज्ञान देता है, उस आधार को उस बात को समझते हुए क्या मुझ आत्मा की वो स्थिति आज मैंने बनाई है? तो बाबा कहता है क्या तीसरे नेत्र द्वारा, माना ज्ञान के आधार से, क्या मैं आत्मा अपने आप को उतना शक्तिशाली स्थिति में स्थित कर रही हूँ या किया है, जिस आधार से साथ साथ स्थापना के लिए मैं निमित्त बन रही हूँ? तो बाबा ने कहा, एक सेकंड में तीसरा नेत्र खुलने से विनाश हो गया, विनाश के साथ स्थापना तो है ही, तो बाप के साथ साथ बच्चों का भी गायन है। तीसरा नेत्र ऐसा पावरफुल है जो दूर तक नजर जा सके। जैसे स्थूल नेत्र की नजर कमजोर होती है तो दूर तक नहीं देख सकती, क्या वैसे ही अपने तीसरे नेत्र की शक्ति देखते रहते हो? तीसरे नेत्र को शक्तिशाली बनाने के लिए केवल मुख्य दो शब्दों पर अटेंशन चाहिए, है ना। तो जो बाबा हमें हमारी स्थिति बनाने के लिए गाइड कर रहे हैं या मार्गदर्शन कर रहे हैं, शिक्षाएं दे रहे हैं, तो बाबा अभी हमें क्या बता रहे हैं कि जो हमारी स्थिति बननी चाहिए, अगर वो नहीं बन रही है तो कौन सी दो मुख्य बातों के ऊपर हमें अटेंशन देना है? तो बाबा कहता है तीसरे नेत्र में कमजोरी आने की भी वही दो बातें हैं। वह कौन सी है? स्थूल नजर के कमजोर होने का कारण क्या होता है? ब्रेन वर्क ज्यादा होना, है ना। बहुत बार बुद्धि का काम अगर ज्यादा करते हैं या लंबे समय तक हम कुछ काम करते हैं और स्क्रीन टाइम हमारा अगर ज्यादा है तो थोड़ा सा ब्रेन के ऊपर ज्यादा हेवीनेस हो जाता है, तो फिर वो असर फिर नजरों के ऊपर आता है, स्थूल दृष्टि के ऊपर, फिर सिर दर्द और वो सारी बातें होती है। तो बाबा कहते हैं उसी रीति से ये तीसरे नेत्र के कमजोर होने के लिए कौन से कारण निमित्त बनते हैं? तो बाबा ने कहा कि इन सभी बातों को दो शब्दों के सार में लाने से अटेंशन रखना सहज होगा। तो बाबा अभी हमें सहज कर बताते हैं। तो क्या बताया बाबा ने? बाबा ने बताया कि तो कमजोरी लाने के दो शब्द है, एक है लगाव और दूसरा है पुराना स्वभाव।
किसी को अपना पुराना स्वभाव कमजोर करता है, और कोई को किसी प्रकार का भी लगाव कमजोर करता है। यह दो मुख्य कमजोरियां हैं। इसका विस्तार बहुत है। हर एक का कोई ना कोई लगाव है और हर एक में नंबर वार परसेंटेज में अभी तक पुराना स्वभाव है ना। तो हम आत्माओं को अंतिम समय के लिए या स्थापना के कार्य के लिए जो हमारी स्थिति बनानी है, उसमें दो मुख्य बातें कौन सी आती है विघ्न रूप में। एक है लगाव, और अभी भी हम आत्माओं में कुछ ना कुछ कलयुगी या फिर कहें देह भान वाले संस्कार अभी भी कुछ परसेंटेज में बाकी है। बाबा ने कहा, यदि यह स्वभाव और लगाव बदल जाए तो विश्व भी बदल जाएगा, क्योंकि जब विश्व के परिवर्तक स्वयं ही नहीं बदले हैं तो वे विश्व को कैसे बदल सकते हैं। अपने में चेक करो कि क्या किसी भी प्रकार का लगाव है। हम बाबा भी लगाव के प्रकार बताते हैं, कौन कौन से लगाव। तो बाबा ने कहा, चाहे वह संकल्प के रूप में लगाव हो, चाहे संबंध के रूप में हो, चाहे संपर्क के रूप में, और चाहे अपनी कोई विशेषता की तरफ हो, है ना। तो लगाव कौन कौन से हो सकते हैं। संकल्पों के लगाव, फिर बाबा कहता है संबंध के रूप में, फिर संपर्क के रूप में, या फिर अपनी ही कोई विशेषता के प्रति उस आत्मा का लगाव हो। लगाव माना आत्मा उस बात के साथ अटैच हो जाती है, फिर चाहे वो संकल्पों की बात हो या कोई संबंध, कोई व्यक्ति या और भी लौकिक या अलौकिक में कोई संबंध, फिर संपर्क में जिनके हम आते हैं, जिसको मित्र संबंधी या और भी कोई बातें हैं, या फिर सेवा के आधार से जिनके भी संबंध संपर्क में हम आते हैं, या मुझ आत्मा की कोई ऐसी एक विशेषता है जिसको मैं लगाव के रूप में लेती हूँ, या जिसके साथ अटैच हूँ, या जिसके प्रति मेरा मैंपन के आधार से चिंतन चलता है। तो ये चार बातें बाबा ने कही, जिसमें हम आत्माएं लगाव के रूप में फंस जाते हैं, या लगाव के रूप में ये बातें विघ्न का काम करती है। फिर बाबा ने कहा, अगर अपनी कोई भी विशेषता में भी लगाव है तो वह भी लगाव बंधन युक्त कर देगा, और वह बंधन मुक्त नहीं करेगा, क्योंकि लगाव अशरीरी बनने नहीं देगा और वह विश्व कल्याणकारी भी बन नहीं सकेगा, है ना। तो मेरे मुझ आत्मा में कौन सी बातें लगाव रूप में है, इसको अगर आइडेंटिफाई करना है तो बहुत सिंपल बात है ना। माना कैसे हम देख सकते हैं कि ये बातें मेरे में लगाव का कारण बनी है, तो बहुत सिंपल है। जैसे बाबा ने कहा कि वो हमें अशरीरी नहीं बनने देती, है ना। तो जब भी हम आत्मा योग में बैठते हैं, या फिर बाबा के ज्ञान का विचार सागर मंथन करने के लिए बैठते हैं, तो हमारी बुद्धि कहाँ पर खींची जाती है, या कौन सी ऐसी बातें आती है जो मुझ आत्मा को अशरीरी स्थिति का, न्यारेपन का अनुभव नहीं कराती है, या वो बातें आने के कारण मेरे विचार सागर मंथन में ब्रेक लगता है। तो इजी है फाइंड आउट करना कि ऐसी बातें हैं कि मैं समझ सकती हूँ कि मैं इन बातों से अटैच्ड हूँ, माना इन बातों से मेरा लगाव है ना। तो ये बातें विघ्न रूप है, ये हम इजी रीति से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर बाबा ने कहा, जो अपने ही लगाव में फंसा हुआ है ना, मेरे संबंध, मेरी विशेषता, मेरे श्रेष्ठ संकल्प, है ना, इनमें ही अगर फंसे हुए हैं, तो बाबा कहते हैं, तो वह विश्व को मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा दिला ही कैसे सकता है। लगाव वाला कभी सर्वशक्ति संपन्न हो नहीं सकता, है ना, क्योंकि उसकी शक्तियां कहाँ पे खर्च हो रही है, अपने ही चिंतन में, या फिर अपने ही उस विशेषता के कारण, या संबंध संपर्क को निभाने के लिए उसकी वो सारी शक्तियां खर्च हो रही है। तो बाबा कहता है, लगाव वाला कभी सर्वशक्ति संपन्न हो नहीं सकता। लगाव वाला धर्मराज की सजाओं से
संपूर्ण मुक्त सलाम देने वाला नहीं बन सकता, है ना, क्योंकि कोई ना कोई उस आत्मा के द्वारा विकर्म होते रहेंगे। फिर लगाव वाले को सलाम भरना ही पड़ेगा और लगाव वाले संपूर्ण फर्स्ट जन्म का राज्य भाग्य पा ना सके, है ना। तो लगाव वाली आत्माओं से कौन सा वाला पुरुषार्थ होगा वो भी बाबा ने बताया, है ना। तो बाबा ने कहा एक तो वो सर्वशक्ति संपन्न नहीं हो पाएगा, धर्मराज की भी सजाएं खानी पड़ेंगी, और फिर जबकि वो अपनी संपूर्ण अवस्था को पाया नहीं है तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट जन्म का भाग्य भी पा नहीं सकता है। तो इसी प्रकार, तो ये हो गई लगाव की बातें। अभी बाबा ने पुराने स्वभाव की बात को कहा है। बाबा कहे इसी प्रकार पुराने स्वभाव वाले नए जीवन नए युग का संपूर्ण और सदा अनुभव नहीं कर पाते, है ना। क्योंकि क्या है, देखो बहुत सहज कर बाबा ने बताया है, स्थापना कैसी है नई दुनिया की, स्थापना के आधार से आत्मा नए जीवन को अनुभव करेंगी। लेकिन अब तक भी अगर मैं आत्मा अपने पुराने ही देह भान के स्वभाव संस्कार को लेकर चल रही हूँ तो नएपन को मैं अनुभव नहीं कर पाऊंगी, है ना। तो बाबा क्या कहता है कि हर आत्मा में भाई भाई का भाव न रखने से स्वभाव एक विघ्न बन जाता है, है ना। तो बाबा क्या कहता है, हमारे इस ब्राह्मण जीवन को मरजीवा जन्म कहता है, है ना। माना इसी शरीर में रहते हुए हमारा एक नया जन्म हुआ है, तो पुराने जन्म की जो भी बातें हैं वो सारी भूल चुकी हुई है। तो नया जन्म कौन सा है, आत्मिक रूप का है। तो मैं आत्मा और फिर मेरे जो नए जन्म के सारे संबंधी हैं वो भी कैसे हैं, आत्मा। तो आत्मा आत्मा का ही जो बेसिक फाउंडेशन है वो भान न रखने के कारण क्या हो जाता है, मेरे नए जीवन में विघ्न आते हैं, है ना। तो बाबा ने कहा विस्तार तो स्वयं भी जानते हो लेकिन अभी क्या करना है, है ना। तो बाबा ने पहले तो क्या बताया कि अंतिम स्थिति के लिए या फिर नए दुनिया की स्थापना के लिए जो हम आत्माएं निमित्त बने हैं, तो हमारी स्थिति कौन सी होनी चाहिए। एक तो अशरीरी स्थिति, एक सेकंड में न्यारा और प्यारापन को हम अनुभव करें। दूसरा, बाबा ने लाइट हाउस और माइट हाउस बन वरदानी मूर्त माना वरदान देने की वाली स्थिति बाबा ने कही। तीसरा, नेत्र माना ज्ञान के आधार से वो हमारी समझ और वो वाली स्थिति, ये बाबा ने कही। और फिर इसमें विघ्न कौन सी बातें बनती है, एक तो है हमारा लगाव, और फिर बाबा ने कहा दूसरा हमारा देह भान वाले पुराने संस्कार, ये विघ्न बनते हैं। अब इन विघ्नों को कैसे पार करना है ये बाबा आगे बताता है। तो बाबा ने क्या कहा, लेकिन अभी क्या करना है, विस्तार को जीवन में समाकर बाप समान बन जाना है। तो पुरुषार्थ क्या करना है, बाप समान बनने का। तो न कोई पुराना स्वभाव हो और न कोई लगाव हो, जबकि तन मन और धन सभी बाप को समर्पण कर दिया तो देने के बाद फिर मेरा विचार मेरी समझ और मेरा स्वभाव, तो यह शब्द ही कहाँ से आया, क्या मेरा अभी तक है या मेरा सो तेरा हो गया। तो क्या करना है, इन स्वभाव के पुराने स्वभाव के और लगाव के विघ्न को हटाने के लिए क्या करना है, मेरे को तेरे में परिवर्तन करना है। तो बाबा ने कहा जब कहा कि मेरा सो तेरा, तो मेरा मन समाप्त हो गया ना, मन और तन बाप की अमानत है, आपकी तो नहीं है ना। तो मेरा मन चंचल है यह कहना कहां से आया, क्या अभी तक मेरापन नहीं छूटा, है ना। जैसे बाबा ने कहा लगाव होता है अपने ही संकल्पों का, फिर संबंधों का, संपर्क का, अपनी विशेषता का। तो बाबा कहता है कि मेरी विशेषता, मेरा संकल्प, मेरे संबंध ये कहां से आए, तो मेरे को क्या कर दो, तेरे में परिवर्तन कर दो। तो मेरा कुछ रहा ही नहीं है, तो ये लगाव कहां से आएगा, है ना। तो बाबा कहे कि मेरा मन चंचल है यह कहना कहां से आया, क्या अभी तक मेरापन नहीं छूटा है, मेरापन किस में होता है, बंदर में। तो वह खुद मर जाएगा लेकिन उसका मेरापन नहीं मरेगा। तो इसीलिए चित्रकारों ने महावीर को भी पूंछ की निशानी दे दी है, है ना। भक्ति मार्ग में हनुमान को पूंछ दिखाते हैं। बाबा ने क्या कहा
कि चित्रकारों ने भी महावीर को भी पूंछ की निशानी दे दी है। है महावीर लेकिन पूंछ जरूर है, तो यह पूंछ कौन सी है? लगाव और स्वभाव की, है ना। तो ये हम आत्माओं का अभी के पुरुषार्थ का वर्णन है ना चित्रों में, कि हम आत्माएं अपने आप को शक्तिशाली स्थिति बनाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। हमारी स्थिति शक्तिशाली हो भी रही है, लेकिन फिर भी हमारे इस पुरुषार्थ के साथ साथ मैपन की, देह भान वाले मैपन की पूछ लगी है। मैपन होना चाहिए, लेकिन मैपन कौन सा? मैं आत्मा और मेरा बाबा। लेकिन हमारे अंदर अभी भी कौन सी मैपन की पूछ है? देह भान वाली मैपन की पूछ है। तो बाबा क्या कहता है कि जब तक इस पूछ को आग नहीं लगाई है, तब तक लंका को आग नहीं लग सकती। लंका कौन सी है? विकार रूपी लंका, है ना। और ये देह भान वाली मैं और मेरेपन की पूछ को आग लगने जब तक नहीं लगती, तब तक ये विकारों रूपी, है ना, या लगाव, ये जो हमारे बैठे हैं या पुराने संस्कार जो है, इसको आग नहीं लग सकती। तो विनाश की वार्निंग की सहज निशानी कौन सी हुई? है ना, विनाश की वार्निंग माना विनाश की शुरुआत हो रही है, इसके लिए कौन सी निशानी है? तो इस पूछ की आग लगानी है। जब सभी महावीरों की लगन की आग लग जाएंगी तो यह पुराना विश्व रहेगा। बाबा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो बाबा ने कहा इसीलिए अब सभी प्रकार के लगाव और स्वभाव को समाप्त करो। जैसे विनाशकारी आत्माएं विनाश के लिए तड़पती है, क्या ऐसे ही आप स्थापना वाले विश्व कल्याण के लिए तड़पते हो? ऐसी सेल्फ सर्विस और विश्व की सर्विस, इन दोनों के लिए नए नए इन्वेंशन निकालते हो? हाँ, तो जैसे विनाश के लिए अलग अलग इन्वेंशंस निकालते हैं, मिसाइल्स निकालेंगे, अलग अलग बॉम्ब्स या शस्त्र तैयार करते हैं युद्ध के लिए, तो बाबा कहते हैं क्या हम स्थापना के निमित्त आत्माएं भी अपने आप को विश्व परिवर्तन के लिए क्या नई नई इन्वेंशंस निकालते हैं? जैसे वह लोग अभी इन्वेंशन कर रहे हैं कि ऐसे पावरफुल यंत्र बनाए जो विनाश सहज और शीघ्र हो जाए, तो क्या ऐसे आप महावीर साइलेंस की शक्ति के इन्वेंटर ऐसा प्लान बना रहे हो कि जो सारे विश्व को परिवर्तन होने में अथवा उसे मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा लेने में सिर्फ एक सेकंड ही लगे और ये और सहज भी हो जाए? तो आप मुहाफिक 35 वर्ष न लगे, है ना। तो बाबा क्या कहता है, तो ऐसी रिफाइन इन्वेंशन से एक सेकंड में नजर से निहाल, एक सेकंड में दुखी से सुखी, निर्बल से बलवान और अशांति से शांति का अनुभव करा सको, है ना। माना कैसे अनुबॉम्ब निकालते हैं या कैसे मिसाइल निकालते हैं कि एक बॉम्ब फेंका और एक धक से विनाश हो जाए, इस रीति से वो बनाते हैं ना। तो बाबा कहता है हम आत्माओं में भी शक्ति होनी चाहिए कि एक सेकंड किसी को दृष्टि दे, संकल्प किया इसी आत्माओं के लिए, तो वो अपनी मुक्ति, जीवन मुक्ति को पा सके। तो बाबा ने कहा ऐसी रिफाइंड इन्वेंशन से एक सेकंड में नजर से निहाल, एक सेकंड में दुखी से सुखी, निर्बल से बलवान और अशांति से शांति का अनुभव करा सको, क्या ऐसे रिफाइंड रूहानी शस्त्र और युक्तियां सोचते हो कि एक सेकंड में उनका तड़पना बंद हो जाए? जैसे बम द्वारा एक सेकंड में मर जाए, वैसे एक सेकंड में उनको वरदान महादान दे सको, क्या ऐसे महादानी और ऐसे वरदानी बने हो? क्या सर्व की मनोकामनाएं पूरी करने वाली कामधेनु बने हो? अब क्या स्वयं में कोई कामना तो नहीं रही हुई है ना? बाबा कहता है औरों की कामना पूरी करने वाली हम आत्माएं हैं, तो क्या हम में अभी भी वो परिस्थिति है कि हमारे ही कुछ कामनाएं इच्छाएं हैं? तो अगर अपनी कोई कामना होगी तो काम धेनु कैसे बनेंगे? मेरा नाम हो और मेरी शान हो, या यह कामना भी नहीं हो, समझा? तो ऐसे एक सेकंड में तीसरे नेत्र द्वारा विश्व को नजर से निहार करने वाले, एक सेकंड में अशांति और दुख से पार ले जाने वाले लगाव और स्वभाव से अतीत
कर्मातीत स्थिति में स्थित होने वाले मुक्ति और जीवन मुक्ति के वर्षे की प्राप्ति के जीवन में सदा रहने वाले मुक्ति और जीवन मुक्त और जीवन मुक्त आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। तो यहाँ पर वाणी समाप्त होती है। अगर वाणी को सार रूप में समझना है तो हम ये मुख्य पॉइंट इस वाणी से ले सकते हैं, जो बाबा ने शुरुआत में देह से एक सेकंड में न्यारा होना और एक सेकंड में देह का आधार लेना और शरीर स्थिति का अभ्यास बाबा ने बताया, फिर लाइट हाउस और माइट हाउस वाली स्थिति बोली, एक सेकंड में तीसरे नेत्र के आधार से निहाल करने की बात कि आत्माओं को मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देना, ये बात बाबा ने कही। जैसे विनाशकारी एवर रेडी है तो क्या हम आत्माएं भी अपने स्थिति द्वारा एवर रेडी है, ये बाबा ने पूछा। और उसके लिए जो विघ्न बनते हैं लगाव और हमारे ये पुराने देहभान वाले संस्कार, इसको बाबा ने नोट किया। फिर बाबा ने इसको हटाने के लिए पुरुषार्थ कहा। पुरुषार्थ बाबा ने क्या कहा, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर दो, ना ये बात बाबा ने कहा। तन मन सहित बाबा को समर्पण करना है, तो जो कुछ मेरा है ही नहीं तो उसके साथ लगाव वाली बात नहीं। फिर लगाव में बाबा ने चार मेन पॉइंट बताए थे, एक संकल्प, संबंध, संपर्क और अपनी विशेषता है। तो बाबा कहता है इन सभी से मैं पन से मुक्त हो क्या हो जाना है, अपने अशरीर स्थिति में आत्मा, मैं आत्मा और मैं जिनके भी संबंध संपर्क में आती हूँ वो आत्मा, आत्मिक दृष्टि आत्मिक भाव के आधार से पाठ में आना है, ये बाबा ने कहा था। और फिर बाबा ने कहा था काम धेनु बनना है ना, माना मैं आत्मा खुद अपनी ऐसी स्थिति बनाऊ जैसे कि इच्छा मात्रम अविद्या, तो ये वाली स्थिति जब मेरी बनेगी तब मैं वहां पर काम धेनु बनकर पाठ बजा सकती हूँ। अच्छा, शांति। तो अभी आप में से भी इस वाणी को अगर शेयर करना चाहते हैं कोई मेन पॉइंट्स तो आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। शांति। सभी लोग अपने पॉइंट्स शेयर करें। सोनाली सिस्टर, आप यहाँ कंटिन्यू कीजिएगा सेशन। शांति, मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दी। ओम शांति, अभी क्लियर है? हाँ जी। हाँ, तो आप यहाँ सेशन कंटिन्यू कर सकते हैं ना सिस्टर। सभी लोग शेयर करेंगे पॉइंट्स जी, एड्रेस करके। शांति, सभी लोग अपने पॉइंट्स शेयर करें, क्या क्या बोला बाबा ने आज के मॉड्यूल में। ओम शांति भाई जी, मेरी आवाज आ रही है आपकी? हाँ जी, ओम शांति। हाँ, आज बाबा ने जो खास पॉइंट कहा है कि जैसे विनाशकारी शक्तियां अर्थात यादव सेना जैसे फुल फोर्स में तैयार है कि अगर विनाश का बिगुल बजे और वो अपने सारे हथियारों के साथ लैस होकर विनाश के लिए तैयार रेडी हो जाएं, इस तरह से बाबा हमको कहते हैं कि पांडव सेना अपनी सर्व तैयारियों का सामान तैयार करके इंतजार कर रही हो, ऐसे एवर रेडी हो क्या कि जैसे लाइट हाउस और पावर हाउस एक सेकंड में स्विच ऑन करे और चारों ओर लाइट ही लाइट फैल जाए।
तो बाबा ऐसे ही कहते हैं कि क्या ऐसे ही पांडव सेना एक सेकंड में डायरेक्शन मिले और इस प्रमाण लाइट हाउस और माइट हाउस बनकर सर्व आत्माओं को लाइट और माइट हाउस तुरंत प्रदान कर सके। तो बाबा हम भी पांडव सेनाओं को भी इस तरह से एकदम एवर रेडी रहने के लिए कह रहे हैं। ओम ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। जी बोलिए। बाबा ने ओम शांति बाबा ने आज कहा विश्व परिवर्तन करने के लिए तीसरी आंख खुली होनी चाहिए। तीसरी नेत्र में कमजोरी आने की दो बातें बताई, एक लगाव और दूसरा पुराना स्वभाव। ये जब तक नहीं चेंज होता है तब तक विश्व परिवर्तन नहीं हो सकता है। चेकिंग करने के लिए बोला है संकल्प के रूप में, संबंध के रूप में, संपर्क और अपनी जो भी विशेषता है इसके तरफ लगाव नहीं होना चाहिए। अगर लगाव है तो वो बंधन युक्त कर देगा, बंधन मुक्त नहीं करेगा। जी। और कभी भी वो लगाव अशरीरपन का या अर्मादित अवस्था का अनुभव नहीं कर सकेगा। जी। और मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा दिला नहीं सकता है, वो सर्वशक्तिवान नहीं हो सकता है, वो धर्मराज के सजाओं से मुक्त नहीं हो सकता है और फर्स्ट जन्म का राजभाग पा नहीं सकते। जब तक तनबंधन, जब तनबंधन सब आपको दे दिया तो फिर मेरा स्वभाव, मेरी समझ, मेरा विचार ये कैसे आया, इसके बारे में बाबा ने आज सुनाया। जी जी बहुत अच्छे। तो बाबा ने आज बताया है कि लगाव वाली जो आत्माएं हैं तो अंत के समय में अगर अपने ही मैं और मेरीपन वाली स्थिति हमारी होगी तो क्या कहा बाबा ने, धर्मराज है ना, कि सजाएं खानी पड़ेंगी। और फिर बाबा ने ये भी कहा कि फर्स्ट जन्म में वो नहीं आ सकते हैं। अच्छा, और कोई शेयर करना चाहेगा? दीदी मुरली में एक सेकंड के बारे में बहुत बताया है कि एक सेकंड में आप क्या क्या कर सकते हो। तो बाबा ने बोला एक सेकंड में आप इन्वेंशन कर सकते हो, एक सेकंड में नजर से निहाल कर सकते हो, एक सेकंड में दुखी आत्माओं को सुखी बना सकते हो, एक सेकंड में निर्बल आत्माओं को बलवान बना सकते हो और शांत आत्माओं को शांति का अनुभव करा सकते हो। तो इस एक सेकंड का कितना महत्व बाबा ने बताया है और वो सब उसका आधार है हमारी स्थिति। तो बाबा का एक ही कहना है, अपनी स्थिति पावरफुल बनाना है। ओम शांति। ओम शांति। जी, बाबा ने कहा था जैसे विनाशकारी आत्माएं जो है निमित्त बनी हुई वो ऐसा इन्वेंशन करते हैं कि एक सेकंड में जैसे बॉम्ब डाला और मर गए, तो उसी रीति से कि हम आत्माएं भी अपने ऐसे नई नई इन्वेंशंस बनाते हैं कि एक सेकंड में सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा दे पाए। जी आशा जी। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, आज बाप दादा ने यही कहा है कि विस्तार को जीवन में समाकर बाप समान बन जाना है, न कोई पुराना स्वभाव हो और न कोई लगाव हो। जबकि तन मन और धन सभी बाप को समर्पण कर दिया तो देने के बाद फिर मेरा विचार, मेरी समझ और मेरा स्वभाव, यह शब्द ही कहीं से आया? क्या मेरा अभी तक है या मेरा तो तेरे में परिवर्तन करना है? ओम शांति। शांति। ये मुख्य पुरुषार्थ बाबा ने बताया है कि हमारा अंतिम स्थिति को प्राप्त करने के लिए मेरे को तेरे में परिवर्तन करो, है ना। तो ये मेन बाबा ने आज पुरुषार्थ कहा है। आशा जी आप बोल सकते हैं। जी सिस्टर, अभी मैंने ही बोला था। जी ओके। ठीक है फिर, और कोई? ओके, और कोई शेयर करना चाहता है?
ओम शांति। ओम शांति दीदी। बाबा ने बोला कि आप कामधेनु कैसे बन सकते हो, आप सबकी मनोकामनाएं कैसे पूर्ण कर सकते हो। तो बाबा यही बोल रहे हैं कि मेरा मेरा नाम हो, मेरी शान हो, ये सारी जैसे मेरा मेरापन खत्म करेंगे वैसे ही आप कामधेनु भी बनेंगे, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो एक बार छोटी जी बाबा ने इसमें कहा था कि मेरी ही कोई इच्छा या कामनाएं अभी तक रही हुई है क्या, कि जैसे आपने कहा मेरा नाम हो, मेरा शान हो, अगर मैं ही ऐसे बातों में फंसी हुई हूँ तो मैं औरों के लिए कामधेनु का पाठ कैसे बजा सकती हूँ। जी बहुत अच्छे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, हम ब्रह्मा बाबा और दादियों को ही लेते हैं। तो उन्होंने पुरानी दुनिया में रहते हुए भी किसी व्यक्ति भैवल से भी संकल्प मात्र भी स्वप्न मात्र भी लगाओ नहीं रहा, तो हमें भी हमें सदा त्रिकारदर्शी होकर और त्रिकारदर्शी के समृति स्वरूप द्वारा इन तीनों कालों को जानने से भी जो हमारे हर कर्म को श्रेष्ठ कर्म और जो सुकर्मी बनाता है, तो वो ये हमारे पुराने संस्कार और स्वभाव से उपराम रहने चाहिए। और सदा हमने साक्षीपन की सीट पे सेट हो करके ये देखना है कि हमने फॉलो फादर किया है या नहीं किया है। तो यहाँ पर बाबा ने जो अशरीरी का बताया, तो अशरीरी बनना अर्थात आवाज से परे हो जाना, तो शरीर से परे हो जाना अर्थात साइलेंस, बस एक सेकंड अशरीरी होने से, और ये जो हम ड्रिल करते हैं बस साइलेंस स्टॉप। तो जब चाहे तब हम शरीर का भान छोड़ सकते हैं और जब चाहे हमें शरीर से परे जा सकते हैं। तो ऐसा कर्म करना है और ऐसा अनुभव भी हमें करना है, और एक चोला छोड़ा और दूसरा चोला धारण किया, मैं आत्मा अलग मेरा शरीर अलग। ओम शांति। ओम शांति। अभी अच्छा, ओम शांति। अभी गौरव भाई जी आप बोल रहे हैं। हाँ जी, तो अभी पोल लॉन्च किया है तो सभी लोग अपना पोल लॉक करें। फिर सिस्टर आप होमवर्क भी दीजिएगा और हमें थोड़ा सहयोग भी करें। ओके जी, थैंक यू। ओम शांति। तो ओम शांति। तो आज के वाणी से हम होमवर्क जो लेंगे वो है, एक तो जैसे बाबा ने आज लगाव की जो बात कही थी, तो हम अपने लिए ये बातें लिख कर या फिर चिंतन करके निकालेंगे कि बाबा का बनने के बाद भी आज तक मुझ आत्मा में मोटे रूप में से भी अगर लगाव की बातें छूटी है, लेकिन छोटी छोटी ऐसी कौन सी महीन बातें हैं जहां पर आज भी मेरा मन बुद्धि खींचता जाता है या अटैच्ड है। तो वो हर एक आत्मा के लिए अपने बातों अनुसार अलग अलग होगा। मोटे रूप में मैं समझती हूँ हम हर एक ब्राह्मण आत्मा एक कुछ ना कुछ बातों से अपने को अटैच कर चुके हैं, लेकिन फिर भी ऐसी बहुत सी महीन बातें होती हैं, जैसे बाबा ने आज भी कहा मेरा नाम हो, मेरी शान हो, है ना। तो ऐसी रीति से और कौन सी बातें हैं, इनको ढूंढना है और उनको निकालने का, प्रैक्टिकल निकालने का प्लान बनाना है। ये एक जो ज्ञान के आधार से हम अभ्यास लेंगे, और दूसरा योग को जो बाबा ने आज कहा है, एक सेकेंड में शरीर से न्यारा अलग होना और फिर शरीर का आधार लेना, या फिर आवाज से परे जाना
आवाज में आना, ये वाली जो स्थिति है इसका हम डिसाइड कर ले हर एक अपनी दिनचर्या अनुसार कि आज दिन भर में मुझे इस स्थिति को एक एक मिनट के लिए कितने बार अभ्यास करना है। फिर आप अपने लिए वो 10 का काउंट ले सकते हैं, 20 का काउंट ले सकते हैं। हर एक अपने दिनचर्या अनुसार अभी ही डिसाइड करे कि आज दिन भर में एक एक सेकेंड के लिए या एक एक मिनट के लिए मैं आत्मा 20 बार ये अभ्यास करूंगी। और जब रात को सोएंगे बाबा को पोता मेल देंगे तो उस समय बाबा को बताना है कि बाबा मैंने ये डिसाइड किया था और इतने नंबर मैंने आज और शरीर स्थिति का इतने इतने समय के लिए अभ्यास किया। तो ज्ञान के आधार से अपने लगाव के पॉइंट्स को ढूंढना है, चिंतन करके उसको लिखना है और प्रैक्टिकली उसको निकालने का प्लानिंग बनाना है। और दूसरा योग के आधार से और शरीर स्थिति का अभ्यास करना है और उस कितने बार करना है वो नंबर डिसाइड करके उस अनुसार दिन भर में फॉलो करना, ठीक है। अच्छा अभी हम बाबा को याद करेंगे एक मिनट। जैसे बाबा ने वाणी में कहा है और शरीर स्थिति का अभ्यास, हम उसी को अनुभव करेंगे। सब एकाग्र करेंगे अपने आप को। अपने सत्य स्वरूप को देखेंगे, मस्तक के बीच में मैं चमकता हुआ सितारा, मैं निराकार आत्मा, इस देह से अलग होकर परमधाम निराकार शिव बाबा के पास स्थित हो जाती हूँ। जैसे मैं आत्मा निराकार बिंदु, मेरा बाबा भी निराकार बिंदु, हम दोनों समीप हैं। परम धाम की शांति और सर्वशक्तिमान मेरा पिता शिव परमात्मा और मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा बाबा की समीपता को महसूस करेंगे। अब मैं निराकार आत्मा परम धाम से निकलकर इस साकार सृष्टि में मेरे साकार शरीर में मस्तक के बीच स्थित हो जाती हूँ। अपने लाइट और माइट के स्वरूप को देखेंगे, अपने से फैलती हुई लाइट वायुमंडल में चारों ओर फैल रही है। मैं आत्मा इस देह से न्यारी एक चैतन्य सत्ता हूं। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। शुक्रिया। देखो क्या शुक्रिया बाबा।